आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि अगर डायबिटीज को जड़ से खत्म करना है तो रोज करेले का जूस पियो खाली पेट, और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर आप रोज करेले का जूस पियोगे तो 50 बीमारियां आप खत्म कर सकते हैं। तो क्या ये सही है? तो आज के इस वीडियो में हम ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि करेले के जूस का कुछ फायदा है या नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, जहां हम डायबिटीज मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बड़ी सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। अब हम एनालाइज करते हैं ये करेले के बारे में। तो हमेशा डायबिटीज के लिए एक हमेशा रूल बना लीजिए डाइट में, कोई भी खाना अगर आपको ऐड करना है तो हमेशा उसका एनालिसिस कीजिए। हमेशा एक स्टूडेंट बनिए, मतलब मैं इसी बात में बिलीव करता हूँ कि आप स्टूडेंट बने, किसी भी आदमी के ब्लाइंड फॉलोअर ना बने और मेरे भी ब्लाइंड फॉलोअर ना बने। जो आप मुझसे सीखते हैं उसको आप एनालाइज करें, गूगल पे पढ़ने की कोशिश करें और उसमें डीप डाउन जाने की कोशिश करें, और जो आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो कीजिए। आप मेरा ओपिनियन ले सकते हैं लेकिन मर्जी आपकी होनी चाहिए, चॉइस आपकी होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ आपकी है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप स्टूडेंट बनिए, आप डायबेक्सी के भी स्टूडेंट बनिए। तो आज सवाल है करेले के ऊपर। तो जब भी हमें कोई फूड ऐड करना है तो कैसे शुरुआत करेंगे? उसका सबसे पहले न्यूट्रिशनल वैल्यू देखेंगे, उसका पीएफ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर हम उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड चेक करेंगे। अगर ये पैरामीटर ठीक है तब हम डिसाइड करेंगे कि इसको हम एज ए फूड यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो करेले की बात आई है तो करेला वेजिटेबल कैटेगरी में है, तो इसका सबसे पहले न्यूट्रिशनल एनालिसिस कर लेते हैं। तो करेले में अप्रॉक्सीमेटली 94% पानी है, वाटर, 3.7% कार्बोहाइड्रेट है, अराउंड 1% प्रोटीन है, 0.2% अप्रॉक्सीमेटली फैट है, और ऐश जो हम कह सकते हैं कि मिनरल इसमें, सो वो अप्रॉक्सीमेटली 1% के आसपास होते हैं। तो ये इसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है। अब हम इसका पीएफ वैल्यू देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ वेजिटेबल है तो पीएफ वैल्यू थोड़ा इररिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि 94% तो इसमें पानी हो गया। तो जब पानी है तो इसका मतलब बाकी चीज़ें इतनी कम है कि ये ब्लड शुगर लेवल पे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दे सकता। तो अब हम इसका ग्लाइसेमिक लोड चेक करते हैं। तो ज़्यादातर वेजिटेबल्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 25-30 के आसपास होता है। तो अगर हम इसका हायर साइड में 30 भी ले लें और इसमें टोटल कार्बोहाइड्रेट है 3.7 100 ग्राम में, तो आप देखेंगे कि इसका टोटल जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 100 ग्राम का अप्रोक्सीमेटली 1 है। तो ग्लाइसेमिक लोड एकदम कम है। तो एज ए वेजिटेबल करेले को डायबिटीज रिवर्सल की डाइट में ऐड किया जा सकता है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम है, ये डायबिटीज रिवर्सल की डाइट के लिए ठीक है। अब इसका दूसरा कंपोनेंट देखते हैं कि क्या इसमें मेडिसिनल वैल्यू, क्या इसमें थेरेप्यूटिक पावर है, तो उसको देखते हैं। जब भी हमें किसी प्लांट की, हर्ब की, किसी की भी थेरेप्यूटिक वैल्यू देखनी होती है तो उसका न्यूट्रिशनल एनालिसिस हम देखते हैं। तो किसी भी फूड में क्या होता है, कुछ वाटर होगा, मॉइस्चर परसेंटेज होगा, फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट होंगे और कुछ फाइटो न्यूट्रिएंट होते हैं। जो ये फाइटो न्यूट्रिएंट होते हैं इनकी थेरेप्यूटिक वैल्यू या मेडिसिनल वैल्यू होती है। तो ऐसे ही अगर हम इसको करेले को एनालाइज करें तो करेले की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू में जो हमें थेरेप्यूटिक बेनिफिट देखने वाले जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होंगे, हम उनको एक्टिव इंग्रेडिएंट कहते हैं। तो जो फाइटो न्यूट्रिएंट मेडिसिनल वैल्यू देंगे हम उनको कहेंगे एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या क्या होते हैं? वैसे तो इसमें 15-20 होते हैं पर 2-3 थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे चरेंटिन नाम का इसमें एक एक्टिव इंग्रेडिएंट केमिकल होता है, पॉलीपेप्टाइड पी नाम का होता है, वाइसिन नाम का होता है, ऐसे 15-20 इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं जिनकी थेरेप्यूटिक वैल्यू हो सकती है, थेरेप्यूटिक बेनिफिट हो सकता है। तो साइंटिस्ट ने इसको एनालाइज किया और ये देखा कि कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट डायबिटीज वालों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इसमें एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है चरेंटिन। सो ये एक्टिव इंग्रेडिएंट हमें थेरेप्यूटिक वैल्यू देता है, मेडिसिनल बेनिफिट देता है। और इसका काम क्या है? तो जैसे हमारी सल्फोनिल यूरिया वाली जो ड्रग होती है जिसमें टॉलबुटामाइड, ग्लिबिन क्लामाइड, ग्लिमिप्राइड, ये वाली, सो ये क्या करती है, पेनक्रियाज में जाके इंसुलिन का रिलीज बढ़ा देती है। तो ऐसे ही जो चरेंटिन जो ये केमिकल है जो करेले के अंदर पाया जाता है, ये पेनक्रियाज के पास जाके उसका इंसुलिन का रिलीज बढ़ा देता है।
तो ये भी बात ठीक है कि भाई करेले में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसका नाम है चेरेंटिन, और वो पैनक्रियाज में जाके इंसुलिन का रिलीज बढ़ा देता है, और जब वो इंसुलिन का रिलीज बढ़ा देता है तो वो ब्लड शुगर लेवल कम करने में मदद करता है। तो ठीक है, यहाँ तक भी समझ में आता है। अब हम आ जाते हैं कि जो चेरेंटिन है ये कैसे निकालते हैं हम, इसका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, क्योंकि किसी भी प्लांट में से एक्टिव इंग्रेडिएंट निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू करेले का, भाई 94% तो पानी हो गया, इसमें फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट हो गया, कुछ विटामिन मिनरल हो गए, तो फाइटो न्यूट्रिएंट का जो कंपोनेंट बचा वो 0.001%, एकदम इतना कम कंपोनेंट होता है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करना आसान नहीं होता, बड़ी हाई लेवल की केमिस्ट्री लगती है उसमें एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में, तब जाके ये एक्सट्रैक्ट होता है। तो जो चेरेंटिन जो केमिकल कंपोनेंट है ये ऐसा नहीं कि खाली उस फ्रूट में होता है करेले में, ये उसके प्लांट के लीव्स में भी होता है, स्टेम्स में भी होता है, इसलिए पूरे प्लांट को यूज़ करते हैं। तो केमिकल फैक्ट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ में क्या करते हैं, इसका प्लांट लेके आते हैं और उसको ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। तो सुखाने से क्या फ़ायदा हुआ कि जो 94% वाटर था वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर पहले ही निकल गया, 90% पानी जो था वो सब पहले निकाल दिया। फिर जो उसका बचा उसका अल्कोहल से एक्सट्रैक्शन करते हैं, हाँ जी अल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन होता है। तो जो इसमें केमिकल कंपोनेंट है वो पानी में सॉल्युबल ना होने के बजाय वो अल्कोहल में सॉल्युबल होता है। तो अल्कोहल में सबसे पहले क्या करेंगे, अल्कोहल उसमें मिला देंगे, उसमें जो ड्राई पाउडर है तो उसमें से एक्टिव इंग्रेडिएंट निकल के अल्कोहल में चला जाएगा, फिर अल्कोहल निकाल लेंगे, फिर अल्कोहल को अलग कर लेंगे और जो केमिकल कंपोनेंट बचा उसको अलग कर लेंगे, फिर जो केमिकल कंपोनेंट बचा उसकी टैबलेट बना लेंगे, और वो टैबलेट जब हम खाएंगे तो वो सल्फोनिल यूरिया जैसा एक्शन दिखाई देगा कि वो ब्लड में इंसुलिन का लेवल बढ़ाएगा और वो ब्लड शुगर लेवल कम करने में मदद करेगा। ठीक है जी, यहां तक इसकी थेरेप्यूटिक वैल्यू थेरेप्यूटिक पावर भी हमारी समझ में आ गई है। अब हम थोड़ा सा करेले के जूस की तरफ चलते हैं। तो करेले का जूस कैसे बनाते हैं, आपने करेला लिया उसको ऊपर से छील लिया, उसको अंदर से काटा और उसके अंदर जो बीज वीज थे वो सारी चीज़ें हटा ली, फिर आपने उसके थोड़े छोटे पीसेस करके और मिक्सर में डाल लिया, उसमें पानी डाल लिया, उसमें आपने नमक डाल लिया ताकि उसका कड़वापन थोड़ा सा कम कर सके, फिर उसको मिक्सी में चलाते हैं और फिर उसको जब ये कट जाता है अच्छे से ठीक से इसके पीसेस हो जाते हैं फिर उसको छान लेते हैं, और छान के जो ये जूस बना इस जूस को हम पीते हैं, बहुत कड़वा होता है, बहुत कड़वा जूस होता है। लेकिन ये सिखाया जाता है डायबिटीज़ वालों को, मतलब एज ए पनिशमेंट, मतलब मैं तो ये समझता हूँ एज ए पनिशमेंट है कि भाई तुम्हें डायबिटीज़ हो गई, अब तुम्हारा पनिशमेंट है तुम ये कड़वे वाला जूस पियो, कड़वा जूस पियोगे तभी तुम्हारी शुगर कम होगी। तो nobody likes that कि वो इतना कड़वा लगता है, कोई पीना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी जब कहते हैं कि भाई इसका बहुत वैल्यू है, ये डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कर सकता है, तो आदमी डर के मारे उसको पीने लगता है कि चलो डायबिटीज़ से छुटकारा मिलेगा ये कड़वा जूस ही पी लेते हैं, आदमी मतलब ये कड़वे जूस पीने को भी तैयार हो जाता है डायबिटीज़ के डर के मारे। तो जब वो पीता है उसको तो कड़वापन तो लगता है लेकिन आदमी उसको पीने की कोशिश करता है थेरेप्यूटिक वैल्यू के कारण। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कितना उसमें ये चेरेंटिन केमिकल आ गया होगा। एक तो हमने छोटा सा पीस लिया करेले का, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो आप पी नहीं सकते, उतना कड़वा हो जाएगा। तो मान लीजिए आपने 100 ग्राम करेले का पीस लिया उसमें और उसको छोटा छोटा काटा, मिक्सी में घुमाया, तो चेरेंटिन एक तो उसमें इतना कम होता है, 0.001% तो पहले ही होता है, और वो भी अल्कोहल में उधर सॉल्युबल होता है, अल्कोहल वो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से निकलता है, तो पानी में बहुत ही हल्का फुल्का कुछ क्वांटिटी उसका आता होगा और वो जूस हम पी रहे हैं। तो मेरे ओपिनियन में इसमें जो थेरेप्यूटिक वैल्यू है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, क्योंकि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी में है, और जब इतनी कम क्वांटिटी में होगा तो इसका थेरेप्यूटिक इम्पैक्ट क्या आएगा। अब इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने टीवी पे ऐड देखा होगा पैरासिटामोल की गोली, ये क्रोसिन का एक ऐड आता है, तो क्रोसिन एक ओवर द काउंटर मिलने वाली ड्रग है जो बुखार कम करने में यूज़ हो सकती है। तो कितने मिलीग्राम की टैबलेट होती है, तो 500 मिलीग्राम की डोज होती है, कि अगर आपको बुखार है तो दिन में 2 या 3 बार आप ये 500 मिलीग्राम की डोज ले लें। अगर आपको ये कहा जाए कि अच्छा आपको बुखार हो गया, पैरासिटामोल से बुखार उतरता है, तो एक काम करो आप 5 मिलीग्राम ले लो रोज सुबह, तो क्या 5 मिलीग्राम की डोज से बुखार उतरेगा? ये तो 500 मिलीग्राम दिन में 2 या 3 बार बताई जा रही है बुखार कम करने के लिए, और आप कह रहे हैं कि आप इसको खाली सुबह सुबह 5 मिलीग्राम ले लो, तो क्या उससे थेरेप्यूटिक वैल्यू मिलेगी, मेडिसिनल बेनिफिट मिलेगा, क्या बुखार उतरेगा? नहीं उतरेगा, क्योंकि इसकी डोज एकदम कम है।
सो इसी तरीके से जब हम वो करेले का कड़वा जूस पीते हैं तो उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो चेरेंटिन, जिसका थेरेप्यूटिक बेनिफिट है, वो बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में है, तो वो ब्लड शुगर लेवल को कम करे, ये एडवांटेज मतलब आप थेरेप्यूटिकली देखने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से वो कोई खास एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको करेले का पूरा एडवांटेज लेना है तो आपको करेले में से जो चेरेंटिन निकाला जाता है केमिकल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू उसको अगर आप टैबलेट बना के लेंगे तो उसका थेरेप्यूटिक वैल्यू मिल सकता है, वो ब्लड शुगर लेवल कम करने में मदद कर सकते हैं। अब चलो अगर मान लो जूस नहीं लें तो क्या करेले के जो कैप्सूल आते हैं ये पाउडर ले लें, तो जो करेले के जो पाउडर के जो ये कैप्सूल्स आते हैं, ये करेले के कैप्सूल में के अंदर क्या होता है भाई, करेला होगा या करेले का जो पूरा प्लांट है उस सब का पाउडर बना दिया होगा और उस पाउडर को बना के उस कैप्सूल में भरा, तो बात तो वही रह गई भाई, इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है ही इतना कम, तो उस करेले में के जो एक कैप्सूल में आया पाउडर में उसमें तो बहुत ही कम एक्टिव इंग्रेडिएंट है, तो क्या वो थेरेप्यूटिक वैल्यू देगा? तो मेरे ओपिनियन में ये भी कोई बहुत ज्यादा थेरेप्यूटिक वैल्यू नहीं दे सकता, रीजन बीइंग कि इसमें केमिकल कंपोनेंट जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो अगर करेले को यूज करना है तो जो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो सेपरेट हो, उसकी टैबलेट बने, तब हम उसको यूज करें और वो इंसुलिन बॉडी में रिलीज करे और वो इंसुलिन जो आए वो ब्लड शुगर लेवल को कम करे, और फिर हमें इसको यूज करना चाहिए ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए। ठीक है, यहां तक हमें करेले का बेनिफिट एक्टिव इंग्रेडिएंट समझ में आया। अब इससे एक कदम और आगे चलते हैं, हायर लेवल का क्वेश्चन पूछिए या हायर लेवल का क्वेश्चन अपने आप से कि क्या हमें इसकी जरूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हमें इसकी जरूरत है। आज से 100 साल पहले हमें यह समझाया गया था कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है, और जब इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है तो हमें ऐसे केमिकल कंपोनेंट, ऐसी दवाइयों की जरूरत है जो बॉडी में इंसुलिन बढ़ाएं ताकि ब्लड शुगर लेवल कम हो। ठीक है, लेकिन 1990 के बाद तो अब यह पता लग गया कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नहीं होती, टू मच ऑफ इंसुलिन होने से डायबिटीज होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से डायबिटीज होती है। तो जो डायबिटिक पेशेंट है, अगर आप एनालिसिस करेंगे तो 80% डायबिटिक पेशेंट की बॉडी में इंसुलिन की कमी नहीं होती, उनकी बॉडी में खूब सारा इंसुलिन होता है, उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को अगर हमें रिवर्स करना है तो डाइट के थ्रू होगा, क्योंकि डाइटरी डिसऑर्डर हो गया। तो आप अगर अपनी डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम करेंगे तो आपकी बॉडी में कम कार्बोहाइड्रेट जाएगा, कम शुगर जाएगा, कम इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी, तो धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स होने लगेगी, और इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्सल मतलब कि डायबिटीज रिवर्सल, ये नया कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट में जब हमारी बॉडी में खूब इंसुलिन है तो हमें एक्स्ट्रा इंसुलिन की जरूरत ही नहीं, तो हमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है करेले के अंदर उसकी जरूरत ही नहीं है डायबिटीज रिवर्स करने के लिए। और अगर ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट जो इंसुलिन बढ़ाते हैं वो डायबिटीज को जड़ से खत्म कर चुके होते तो कब की डायबिटीज जड़ से खत्म हो गई, क्योंकि 50-60 साल से, तो ये 1950 के बाद से ये ग्लिबिनक्लामाइड, ये जो सल्फोनील यूरिया जो ड्रग है, टोलब्यूटामाइड, ग्लिबिनक्लामाइड, ग्लिमिप्राइड, ये बहुत सारे ड्रग तो काफी सालों से अवेलेबल है। तो अगर इस मेथड से डायबिटीज जड़ से खत्म होती तो कब की खत्म हो चुकी होती, लेकिन इस मेथड से खत्म नहीं होती। आप देखेंगे, देखिए लोगों को 25-25-30 साल से गोलियां खा जा रहे हैं, और पहले खाली डायबिटीज़ की बीमारी होती थी, अब हार्ट अटैक की बीमारी भी, किडनी की बीमारी भी, लंग्स की बीमारी भी, ये ब्रेन की बीमारी, नर्व्स की बीमारी, हर ऑर्गन खराब हो रहा है इस डायबिटीज़ के कारण। तो जो मेथड है ये डायबिटीज़ रिवर्सल का मेथड नहीं है कि ब्लड में इंसुलिन बढ़ा लिया जाए। तो जो टेक्निक है, जो ये थॉट प्रोसेस है, जो ये विचार है कि ऐसा कंपोनेंट जो इंसुलिन बढ़ाएगा वो ब्लड शुगर कम करेगा, तो ये बेसिकली 100 साल पुराना मेथड है जो इसमें ये कहा जाता है कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो रही है। लेकिन नई रोशनी, नया नॉलेज, नया एक्सपीरियंस ये कहता है कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नहीं है, टू मच ऑफ इंसुलिन इज कॉजिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस विच इज कॉजिंग हाइपरग्लाइसीमिया, या हम उसको डायबिटीज कह रहे हैं। तो डायबिटीज को अगर जड़ से खत्म करना है, डायबिटीज को अगर रिवर्स करना है, तो नॉलेज और डिसिप्लिन, इन दो चीजों पे फोकस कीजिए। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपका हो सकता है लोग बेवकूफ बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जिसको डायबिटीज होती है उसकी कंडीशन उसी को पता होती है, और वो ऑब्वियसली इसको डर लग रहा होता है
कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो अब जिंदगी भर के लिए गले पड़ गई है, इससे कैसे पीछा छुड़ाएं। हर आदमी डायबिटीज़ से दूर भागना चाहता है, तो जो आदमी कुछ भी कहता है वो उसकी बात मान लेता है। लेकिन आज के बाद डायबिटीज़ के बारे में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हमेशा दिमाग लगाना है। नॉलेज एंड डिसिप्लिन, इन दो वर्ड्स पे फोकस कीजिए, तभी आप इस डायबिटीज़ को अपने शरीर से भगा पाएंगे, तभी हम मिलकर डायबिटीज़ को हिंदुस्तान से भगा पाएंगे, तभी हम सब मिलकर इस दुनिया से डायबिटीज़ को हमेशा के लिए भगा पाएंगे। जी हाँ, डायबिटीज़ को भी पोलियो की तरह इरेडिकेट किया जा सकता है नॉलेज और डिसिप्लिन की मदद से। डायबिटीज़ से जुड़िए, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा आपको। थैंक यू।